गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, 11 बज गए हैं क्योंकि सवेरे से नहाना धोना चल रहा था, उस चक्कर में फिर लेट हो गए। मम्मी ने तो खा लिया खाना, पापा भी सवेरे निकल गए काम पे और मम्मी भी चली गई है घास के लिए और दादी में बच्चे हुए थे तो हम अभी नहाए, तो अभी नहा के उसके बाद खा रहे खाना। दादी नीचे खा रही क्योंकि नीचे दादी और बैठे हुए इसलिए, और मैं ऊपर धूप पे आ गई हूँ। तो आज पापा ने बनाया खाना, आजकल मॉर्निंग में पापा ही बनाते हैं सवेरे सवेरे, क्योंकि बाहर बनाते खाना ना तो बहुत टेस्टी बनाते हैं पापा भी। तो आज उन्हें आलू की थिचौड़ी प्लस चावल और थोड़ा सा सैलेड। तो आलू की थिचौड़ी तो मेरे वैसे भी फेवरेट है क्योंकि मुझे साग बहुत अच्छा लगता है। और कल अच्छे से सेलिब्रेशन किया, मतलब अच्छा ठीक ठाक मनाया राहुल का बर्थडे, क्योंकि जब साथ में होंगे तब देखेंगे अच्छे से, है ना। तो वैसे तो अब मेरी एनिवर्सरी आने वाली है, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। और वो तो है टाइम थोड़ा सा, पर 10 मंथ कंप्लीट हो गए मेरी शादी को। और साथ ही एक खुशी की बात और है कि आज हमें हमारे रिलेशनशिप एनिवर्सरी, मतलब हम जब रिलेशन में आए थे उसकी एनिवर्सरी आज। तो कितने साल हो गए हमें? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोगों को इसका आंसर देना कि कितने साल कंप्लीट हो गए आज हमें। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और कुछ नहीं, बस बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मैं, मतलब राहुल को देखती हूँ तो मुझे ऐसे अपनी पसंद पे ना बहुत ज़्यादा नाज बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, प्राउड फील होता है कि मेरी पसंद है ये। अपने घर वालों को बोलते, अपने मम्मी पापा को, कि अगर आप चुन चुन के भी जाते, अगर मतलब इधर उधर भी जाते तब भी आपको ऐसा लड़का नहीं मिलता। और मैं मतलब अभी प्राउड के साथ बोल सकती हूँ कि हाँ, ये बात सच है कि अगर मम्मी और ढूंढ के भी लेकर आते तब ऐसा रिश्ता नहीं लेके आ पाते जैसे मैंने खुद अपने लड़का पसंद किया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है क्योंकि मेरा पति तो अच्छा है ही, साथ में मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मतलब देता है। या मुझे कुछ भी बोल सकते हैं कि मुझे कभी ऐसा फील नहीं होता कि अपने ससुराल में ये वो वट एवर जो भी हो है, सब कुछ तो सब कुछ मुझे परफेक्ट मिला है। फैमिली अच्छी मिली है, पति अच्छा मिला है, मैं खुद अच्छी हूँ, सब कुछ अच्छा है, घर बार सब कुछ अच्छा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है और डू थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए। आज के दिन आप मेरी लाइफ में आए थे और अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है हमारा सब कुछ। काफ़ी टाइम हो गया हमें, काफ़ी साल हो गए, तो जिनको पता है वो तो जानते हो, जो नए नए जुड़े होंगे हमारे साथ उनका आंसर मैं कर दूंगी कि हमें कितने साल हो गए, आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। पहले मैं आप खाना खा लेती हूँ, फिर देखते हैं आगे बातें, तब करते हैं। गाइस कुछ बर्तन वर्तन थे वो मैंने धो दिए हैं, हाथों में मौसम भी लग गया है। और अब थोड़े से बाल्टी में कपड़े हैं तो वो धो देती हूँ पहले, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और अभी डुगो और भी यहाँ पे खेल रहे हैं, सारे के सारे बैठे हुए हैं, तो बाकी तो मेरा कुछ काम है नहीं, कपड़े वपड़े ही थे क्योंकि सवेरे नहाए नहीं, तो कपड़े वपड़े रह रखे हैं धोने के लिए, तो कपड़े धो लेती हूँ पहले मैं और तब बनाती हूँ आगे वीडियो। कपड़े भी धुल गए, अब धूप में बैठ जाती हूँ, धूप में और शीशा में निकाल लिया, मेकअप यहीं पर करूँगी, संतरे भी लेके आई हूँ अपने लिए यहाँ पे। और ये देखो सलाद था, मूली और वो घर की मूली थी मतलब, और गाजर थे घर के, तो मेरा मन कर रहा था मैं इसको मिला के खाऊं, मतलब चटनी बना के खाऊं, तो मैंने इसमें नमक वगैरह डाल दिया घर का पिसा हुआ, और अभी मैं खा रही हूँ बैठ के। मगर देखते हैं गुड्डी और आते हैं कि नहीं आते यहाँ पे, बस बोल तो रहे थे, पता नहीं। खाना पीना तो होता रहेगा, लेकिन कल आप लोगों ने काफ़ी ब्लेसिंग दी राहुल को, काफ़ी विशेष आए उसके लिए, तो थैंक यू सो मच, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने अच्छे से विश किया उसको, और बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे बस इतना सा ही डिफरेंस है सबकी लाइफ में, देखो जो अगर वैसे तो प्राइवेट नौकरी वाले भी हैं चाहे सरकारी नौकरी वाले भी, कई लोग ऐसे हैं कि जो ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में ही हैं, लेकिन फौजी और फौजन की स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हमें देखो एनिवर्सरी हमें वीडियो कॉल पर मनानी पड़ती है, बर्थडे हमें वीडियो, ऐसे जो त्यौहार हमें वीडियो कॉल पर मनाने पड़ते हैं, मतलब ऐसे ही होती है क्योंकि त्यौहारों के टाइम पर तो छुट्टियाँ मिलती ही नहीं वैसे भी। और चलो कोई नहीं, खुश है हम ऐसे ही है, बस हमारे हमें ऐसा होता है कि चल कोई नहीं, हमारे पति अच्छे रहने चाहिए, अच्छे से रहे, मतलब वहाँ पे अच्छा खासा सब कुछ हो जाए और सही सलामत घर आ जाए, बस यही होता है हमारे मन में, बाकी हमें कुछ नहीं है ऐसा त्यौहार मनाने की खुशी या ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जब तक अपना पार्टनर साथ में ना तब तक कोई फेस्टिवल वैसा अच्छा लगता ही नहीं, लेकिन हमें उनकी खुशी के लिए खुद मनाना पड़ता है क्योंकि ताकि वो भी खुश हो जाए वहाँ देख के कि हाँ भाई घर वाले खुश हैं, जिसके लिए वो नौकरी वगैरह कर रहे हैं ना, तो वो भी खुश हो जाएंगे देख के, तो इसलिए मनाना पड़ता है सब कुछ। बाकी वैसे हमें भी अकेले त्यौहार मनाना तो अच्छा लगता नहीं है, पर कोई नहीं,
आज नहीं तो फिर कल वाले त्योहार में साथ होंगे, यही उम्मीद के साथ, मतलब ऐसा मनाना पड़ता है। तो इसलिए थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोग ने इतना सपोर्ट दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब उनको भी मैसेज पढ़ के बहुत अच्छा लगा, जब उन्होंने कमेंट पढ़े तो उन्होंने देखा कि काफी कमेंट आए थे उनके लिए, तो उन्होंने भी आपको थैंक यू बोलने के लिए बोला। मैंने अभी नारियल पानी पिया ना, तो वो नारियल बिल्कुल पक गया था अंदर से, तो मम्मी उसको कुल्हाड़ी से फाड़ती हूँ, तो मैं देखूंगी उसको कि अंदर से कैसे और कहे। मम्मी उसको फाड़ने लगी अंदर से, पक रखा है मलाई उसमें मेरे अंदर। ये सही बात है, ये पूरा मलाई वाला यही है, मम्मी वो निकाल के देते हैं। उसको बोलना पड़ता है, मलाई वाला तो उसको पता होता ना कौन सा पक्का कौन सा कच्चा। यार को तो बोलो ना, नहीं मलाई वाला है सच, मेरी मम्मी का आइडिया सही निकला। अच्छा तो उसमें ये देखो गाइस, ये पूरा अंदर पक चुका है नारियल सही में। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बैठने के लिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि अभी घर में कोई काम तो है नहीं, हमने बैठ ही रहना था वैसे भी। तो मम्मी ने कहा तो जा उनके साथ बैठ जाओ त्योरी के साथ, तो मैं बैठ जाती हूँ उनके साथ और खाना भी खा लिया, दिन का भी खा लिया। अब सीधा आऊँगी मैं, 2 बज रहे 3 बजे आऊँगी सीधा चाय पीने के लिए। पहले देखती हूँ आगे हैं भी कि नहीं है, वो हैं गाइस हैं यहीं पे। हम लोग और अब आगे मैं घर, क्योंकि चाय बनाने का टाइम हो गया। मम्मी तो पता नहीं कब चली गई दोबारा घास के लिए, क्योंकि आज कहते हैं उनका कमेटी वगैरह है, तो उस चक्कर में मम्मी को भी यहाँ आना है, मतलब जल्दी आना है टाइम पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, दादी है घर पे बाहर बैठी, तो चाय बना लेते, चाय पीते और फिर हम भी थोड़ा सैर करने जाएंगे। यार ऊपर घर में बैठे बैठे अभी हाथ पैर जाम हो रहे, बात कुछ नहीं हो रहा। चाय भी रेडी हो चुकी है, दादी को दे के आते हैं पहले गर्मा गर्म चाय। तो हम जा रहे कमेटी में, मैं और ज्योति और गुड्डी भी आ रही है, कमेटी जमा करने जाना हमने ऊपर, और थोड़ा घूम के भी आ जाएंगे, सैर वगैरह भी हो जाएगी। या तो फिर से वही हाल की, मतलब ठंड स्टार्ट होगी इस साइड, उस साइड धूप है, इधर चमक रहा है। बाकी कमेटी में पैसे जमा करके, मतलब पंचायत चौक में होते हैं ना, तो वहाँ पे पंचायत घर में होते हैं मतलब, तो मैं तो कमेटी में पैसे जमा करके आ गई, मैं वहाँ पे बैठी नहीं क्योंकि वो मम्मी और का वो है ना पूरा समूह, तो वहाँ पे सारी लेडीज वगैरह हैं। वैसे तो मैं भी लेडीज ही हो गई हूँ, पर मैं थोड़ा आगे जा रही हूँ गुड्डी और के साथ सैर वगैरह करने, मगर थोड़ा सैर करने चलते हैं, घर में बैठे बैठे ना अजीब से हो रहे। तो गुड्डी और ज्योति मेरे पंदेरे में रुक रखे होंगे, तो चलो चलते हैं, देखते हैं अभी कि नहीं, अगर नहीं होंगे तो फिर मैं चली जाऊंगी वापस, वरना जाऊंगी। ये देखो आजकल सरसों के फूल लग रखे, कितने प्यारे लग रहे ना, चारों तरफ हो रखे। तो ये देखो गाइस ये मेले रुक गए थे, मुझे उम्मीद मुझे उम्मीद नहीं थी रुक गए थे, फिर तो मैं जिले घर पहले आपने देख लिया, इसने मेरे को वीडियो बनाने से रोका, ये मैं सारी हिंसा कर रही अहिंसा बोलन हिंसा कर रही है, अहिंसा जो भी है वो कर रही है, ये मुझे वीडियो बनाने से रोक रही है, मतलब मेरा हाथ कंट्रोल कर रही है अपने हाथों से। तब हम जा रहे हैं रोड आ गए यहाँ पे, और गुड्डी तो बैठ गई थक के, और ज्योति अपने पति को बस श्रीनगर दिखा रही है, पता नहीं क्या दिखा रही है, वीडियो कॉल पर पैठा नहीं का मंदिर दिखा रही, पता नहीं क्या दिखा रही है, समृद्धि कौन जी दिखूनी, वह अपनी पैठा नहीं मंदिर दिखो, और यहाँ से व्यू दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से चांद प्यार का सामने। तो गाइस अब हम घर जा रहे हैं, मैंने ज्योति को बोला था कि हम दुकान में चलते हैं, और इसके पास 50 रुपए, इसके पास 50 रुपए थे, पर ये फिर भी नहीं गई, इसने फोन के पीछे छुपा रखे 50 रुपए, और अगर मेरे पास 10 रुपए भी होते तो मैं उस दुकान में जरूर जाती, लेकिन इसने अपने 50 रुपए बचाने के चक्कर में उस दुकान में नहीं गई है। अब बता सच बोला कि नहीं बोला, मैंने इसके जमाई ने बोला कि खर्चा नहीं करना, इसके जमाई ने बोल रखा है किसी पे खर्चा नहीं करना, इसलिए इसने 50 रुपए वैसे के वैसे लेगी पीछे से। 50 रुपए दिखा आपने गए, तो देखो ये देखो 60 रुपए है, और 10 रुपए की चीज भी नहीं खिलाई इसने। अब हम घर जा रहे हैं, और घर जाते जाते गुड्डी बनाएगी मेरा सब्जी बनने लगी है,
और प्याज टमाटर भून लिया और साथ में मैंने आज मिक्स सब्जी बन रही है, आज पत्ता गोभी गाजर वगैरह सब क्या बोलते हैं मटर वगैरह सब मिक्स मसाला आलू वगैरह। तो चूल्हे का खाना तो वैसे भी स्वाद ही होता है, तो चूल्हे में बनता आज खाना, वैसे भी चूल्हे में बनता है आजकल सर्दियों के टाइम पे ना, ये होता है कि आग चिंग को मिल जाती है और खाना बन जाता है। इतनी सी सब्जी बनाते हैं हम थोड़ी सी, क्योंकि हम कम ही लोग हैं ना, सब्जी कम खाते हैं। और अभी आटा आ गया, आटा गूंथ रही मम्मी पीछे। क्या है बीमार? गाइस रूम में आ चुकी हूँ मैं खाना वाना खा के, और मेरी तबीयत आज थोड़ी सी ख़राब हो गई है, रिली से लग रही है, हीटर जल रहा है तो काफ़ी वो लग रहा है ना, मुंह पीला पीला दिख रहा है। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे समाप्त, आई होप आपको ब्लॉग में मज़ा आएगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, उसके तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और ये ब्लॉग की समाप्ति करते यहीं पर। गुड नाइट।